Hello all of you. Today we see the topic, that is ratio detector. So see the diagram for ratio detector. In this you see that the input is FM input from final IF amplifier. And after that, the input transformer is used. And after that, diode D1, D2 used. At this point, output voltage, that is V0, is there. Then we see the one by one description point about ratio detector circuit. Then see, if you compare the circuit with phase discriminator, you will notice that these two circuits are identical except for following changes. Okay, अभी आप लोगों ने अगर इसको compare किया है, already previous lecture में हम लोगों ने फेज डिस्क्रिमिनेटर सर्किट देखा है. सो ये और जो रेशियो डिटेक्टर है और फेज डिस्क्रिमिनेटर सर्किट है, उन दोनों में सिमिलैरिटी है. और जो भी अलग है सर्किट्स में, वो चेंजेस दिखाया है. देखो, सो फर्स्ट जो अलग है वो है डायरेक्शन ऑफ D2 इज़ रिवर्स्ड. ओके, यहाँ पे जो डायग्राम में देखो, जो D2 डायोड D2 की डायरेक्शन है वो रिवर्स्ड हो चुकी है, जो कि फेज डिस्क्रिमिनेटर में नहीं थी. फेज डिस्क्रिमिनेटर में ये दोनों डायोड की जो डायरेक्शन है वो सेम थी. ओके, देन सी द सेकेंड पॉइंट. लार्ज वैल्यू कैपेसिटर C5 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द सर्किट. ओके, सो रेशियो डिटेक्टर में और क्या ऐड हुआ है? कैपेसिटर C5 ऐड हुआ है, जो कि है लार्ज वैल्यू कैपेसिटर. वो फेज डिस्क्रिमिनेटर में नहीं था. अदरवाइज पूरा जो सर्किट है सिमिलर टू फेज डिस्क्रिमिनेटर है. सिर्फ क्या है, D2 की डायरेक्शन चेंज है और लार्ज वैल्यू कैपेसिटर हम लोगों ने यूज़ किया है. और थर्ड है, आउटपुट इज टेकन समवेयर एल्स. यहाँ पे जो आउटपुट है हम लोगों ने यहाँ पे लिया है. ओके, ये तीन जो पॉइंट्स हैं वो फेज डिस्क्रिमिनेटर से अलग है. सो फर्स्ट है D2 की डायरेक्शन रिवर्स, सेकेंड है C5 यूज़ किया है लार्ज वैल्यू कैपेसिटर, और यहाँ पे जो थर्ड है वो है कि आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे हम लोगों ने कुछ दूसरी जगह पे लिया है. ओके, समवेयर एल्स. Then see the next description point. The ratio detector output voltage is equal to the half of the difference between output voltage from the individual diodes D1 and D2. अभी यहाँ पे जो ratio detector है उसका जो output voltage है वो किसके equal है? जो भी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा, इंडिविजुअल डायोड D1 और D2 के अक्रॉस जो भी आउटपुट वोल्टेज रहेगा, उन दोनों का जो डिफरेंस है प्लस हाफ जो है वो रहेगा अपना रेशियो डिटेक्टर का आउटपुट वोल्टेज. जो कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला बताया, V0 इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट VA-0 माइनस VB-0 डिवाइडेड बाई 2. ओके, देन सी नेक्स्ट. C5, दैट इज लार्ज वैल्यू कैपेसिटर, इज प्रोवाइड एम्पलीट्यूड लिमिटिंग एक्शन. यहाँ पे जो C5 हम लोगों ने यूज़ किया है, जो कि लार्ज वैल्यू कैपेसिटर है, वो क्या प्रोवाइड करता है? विच विल प्रोवाइड ओनली एम्पलीट्यूड लिमिटिंग एक्शन. मीन्स ये सिर्फ एम्पलीट्यूड क्या करेगा, लिमिट करने की प्रोसेस ये प्रोवाइड करेगा. देन see the next point, that is the advantage. First, it is easy to align. Second, very good linearity.
थर्ड एम्पलीट्यूड लिमिटिंग इज प्रोवाइडेड. देन डिसएडवांटेज इज देयर. फर्स्ट इज मोर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड. सेकेंड ऑपरेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो इन दिस वे दिस इज एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड ओवरऑल डिस्क्रिप्शन अबाउट द रेशियो डिटेक्टर. सो थैंक यू.